यो गाइस, मेरा नाम बोहेमिया नहीं है। फ्लिक्स के ऊपर मैंने A24 प्रोडक्शन के द्वारा बनाई गई एक बीफ नाम की सीरीज देखी जो थोड़े दिन पहले ही आई है। और सच्ची बता रहा हूँ, A24 जिस चीज को भी हाथ लगा लेना वो चीज सोना बन जाती है। इट लिटरली नेवर डिसअपॉइंट जस्ट लाइक पीजे। मतलब इन लोगों ने एक अच्छा खासा फॉर्मूला सा पकड़ा हुआ है। एक वियर्ड सी स्टोरी उठाओ, उसमें कॉमेडी और ड्रामा भर दो और अच्छे खासे अंडर रेटेड एक्टर्स को कास्ट कर लो और बन गया A24 का माल। और सेम इसी तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर बीफ सीरीज बनी है जिसकी स्टोरी बतानी हो तो इसमें हमें एक डैनियल चो नाम के कोरियन आदमी और एमी लो नाम के एक एशियन औरत के बीच की दुश्मनी दिखाई जाती है, यानी उन दोनों के बीच की बीफ स्टोरी दिखाई जाती है जो कि चालू होता है एक चूतिया रोड रेज इंसिडेंट की वजह से। अब अगर आपको रोड रेज का मतलब नहीं पता तो बता देता हूँ। समझो दो लोग गाड़ी चला रहे हैं जिसमें से एक जो बंदा है वो दूसरे बंदे की गाड़ी का पीछा कर रहा है और दोनों ही जाने ना एकदम ही रफ तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। आसपास के जो लोग और प्रॉपर्टीज है वो उन्हें डैमेज कर रहे हैं लेकिन उन्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेसिकली एक पुलिस की कार जब चोर की कार को चेस करती है तो उस तरह के इंसिडेंट को आप रोड रेज इंसिडेंट कह सकते हो। इसके शुरुआत में दोनों ही जो मेन कैरेक्टर है ना उनके बीच में एक रोड रेज इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं और उनके बीच में एक बीफ पैदा हो जाती है। वो दुश्मनी के चलते दोनों ही कैरेक्टर ना एक दूसरे से बदला यानी रिवेंज लेते हैं पूरी सीरीज के अंदर। और भाई साहब क्या बदला लेते हैं, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से कितनी नफरत कर सकता है, कितनी हद तक गिर सकता है, वो चीज ये सीरीज काफी अच्छे तरीके से दिखाती है। और दोनों ही जाने एक दूसरे से बदला लेने के लिए ऐसी फनी फनी हरकतें करते हैं ना कि वो चीज आपको काफी हंसा के जाएगी। उन दोनों के बीच की दुश्मनी या जो बीफ है वो एंड तक खत्म हो जाती है नहीं हो जाती, उसके लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा सीरीज के अंदर ना हमें दोनों ही मेन कैरेक्टर की ना साइड की पर्सनल स्टोरी भी दिखाई जाती है। जैसे कि डैनियल अपनी लाइफ से परेशान है, डिप्रेस है, पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपने मम्मी पापा जो कोरिया में है उन्हें अमेरिका में लाने के लिए मेहनत कर रहा है, साथ ही साथ अपने छोटे भाई का ध्यान रख रहा है। बेसिकली ये जो चीज़ दिखाई गई है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सेंस ऑफ रिलेटेबल लगती है कि हाँ हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। खैर ज़्यादा इस पे डीप पे बात करेंगे नहीं क्योंकि वीडियो डार्क हो जाएगी। इसके अलावा एमी की भी अच्छी खासी हमें साइड में स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे एमी एक अमीर इंडिपेंडेंट वूमन है जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वो हर चीज़ खरीद सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। वो अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रेस्ड रहती है काम के रिलेटेड और इसके पीछे का कारण वो ऑब्वियसली खुद ही है। तो दोनों ही कैरेक्टर का ना हमें अच्छी खासी ओरिजिन स्टोरी और साथ ही साथ उनका डेवलपमेंट सीरीज के अंदर दिखाया जाता है। अब अगर खराब चीज़ों के ऊपर बात करनी हो तो सीरीज में सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत थी जो पर्सनली मेरे को लगी। इसके अंदर टोटल 10 एपिसोड है 30 से 40 मिनट के और मेरे ख्याल से 10 एपिसोड तक नहीं खींचा होता उसकी जगह 8 एपिसोड में निपटा दिया होता, कुछ कुछ चीज काट देते तो स्टोरी पे भी असर नहीं पड़ता और ज़्यादा बेहतर हो जाती, ऐसा पर्सनली मेरे को लगा। बट यार ओवरऑल सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्पेशली लास्ट एपिसोड। वो जो एपिसोड है ना शुरू के 10-15 मिनट में आपको पागलों की तरह हंसाएगा और लास्ट के जो 10-15 मिनट में ऐसा इमोशनल करेगा ना कि रो दोगे। तो बस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना बोहेमिया और सिद्धू मूसेवाला के फैंस को। अगर आपको एक रिवेंज टाइप की कॉमेडी ड्रामा सीरीज देखनी है तो नेटफ्लिक्स की बीफ चेकआउट करो। ये अब तक का सबसे बेस्ट माल है 2023 का जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आया है थैंक्स टू A24 प्रोडक्शन। बाकी अगर आपने बीफ सीरीज पहले से देख रखी हो तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि आपको कैसी लगी और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छी लगी हो। और इस तरह के और मूवीज और सीरीज के अच्छे सजेशन वाली वीडियो चाहिए हो मेरे को पता है आप कर दोगे, जल्दी से जल्दी 1000 करवाने हैं तो सब्सक्राइब करो चैनल। बाकी चैनल की कोई रैंडम वीडियो देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। ओए मिया।